सुद्दी दूध नहीं पीता। सुद्दी, अरे बेटा उठो, चलो दूध पी लो। नहीं पीना मुझे दूध। सुद्दी, तुमने दूध पी लिया क्या? मैं आ रही हूँ। ये लड़का भी ना, ओफ़ सुद्दी, सुद्दी। दूध से चार फायदे हैं। एक, तेज नजर। दो, विकसित बुद्धि। तीन, शक्ति। और चार, तंदुरुस्ती। अच्छा तो बताओ, गुरुकुल आने से पहले किस किसने दूध पिया? सुद्दी, तुमने दूध नहीं पिया? सुद्दी दूध नहीं पीता। अरे सुद्दी, जल्दी चलो, आम तोड़ने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं कृष्णा, सारा दिन पढ़ाई करके मैं थक गया, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। क्या भाई सुद्दी, तुम भी चलो ना सुद्दी। नहीं, चलो मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे आराम करने दो। ठीक है सुद्दी, हम तुम्हारे लिए भी आम लेकर आएंगे। सुद्दी अकेला है, चलो इसे परेशान करते हैं। अभी भी सो रहा है ना? हाँ। एक चंपू भोंदू, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? परेशान? वो तो हमने किया ही नहीं, अब करेंगे परेशान। सुद्दी को तंग करना बंद करो। नहीं किया तो क्या करोगे? सुद्दी, शक्ति नहीं है तो क्या, बुद्धि इस्तेमाल करो। सुद्दी, ये क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? चंपू और भोंदू ने मुझे बहुत परेशान किया। सुद्दी, अगर तुम दूध पीते तो इन दोनों को तुम खुद ही सबक सिखा सकते थे। हाँ सुद्दी, तुम्हें दूध पीना चाहिए। दूध पियो। तुम्हें दूध पीना चाहिए।
में लगे हैं। तंग आ गया हूँ मैं, जा रहा हूँ। सुधी, सुधी, अरे कहाँ चला गया सुधी? सुधी! अरे सुबह से किसी ने सुधी को देखा है क्या? हमने तो नहीं देखा। हमने नहीं देखा। कहाँ चला गया सुधी? सुबह से सुधी का पता नहीं, उसके माता पिता घबराए हुए हैं। किसी ने देखा है क्या सुधी को? नहीं गुरुजी। मैं लोगों से पूछताछ करता हूँ, हमें सुधी को ढूंढना होगा। चंपू भोंदू, तुम्हें पता है सुधी कहाँ है? नहीं। सुधी कहाँ है? नहीं पता। कहाँ है? नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। बल्लू भैया ये सच कह रहे हैं। फिर कहाँ गया होगा सुधी? कल जब सब लोग दूध पीने के लिए कह रहे थे, उसे बहुत गुस्सा आया। घर पे दूध से बचने के लिए बिस्तर के नीचे छुप जाता है और गुरुकुल में मेज के पीछे। अब अगर सारी आनंद नगरी से छुपना है तो जरूर लाल पहाड़ गया होगा। लाल पहाड़? शाम हो रही है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे ढूंढेंगे? दूध से नजर तेज होती है। वो रहे पैरों के निशान, सुधी जरूर उस तरफ गया होगा। कहाँ गया होगा सुधी? वो रही सुधी की पोटली। ये कहाँ आ गए तुम लोग? हम आए नहीं, गिर गए। सुनो दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? मैं भी वहीं से गिर गया था, सुबह से यहीं पर बैठा हूँ। अब कोई डर नहीं सुधी, हम आ गए तुम्हें वापस ले जाने। किसना, अब हम भी सुधी के साथ यहाँ फंस गए हैं। बाहर कैसे जाएंगे? और आसपास रास्ते भी नहीं है। राधिका ये चट्टान चढ़ नहीं पाएगी। और तुम लोग उड़ भी नहीं सकते। दूध से बुद्धि विकसित होती है। हम इसके जरिए ऊपर जा सकते हैं। इसके जरिए कैसे? अगर दाहिने तरफ कोई खड़ा हो और बाएं तरफ बड़ा पत्थर गिराया जाए तो यहाँ से सीधे ऊपर छलांग मार सकते हैं। शुक्र है मैं उड़ सकता हूँ। वाह, कमाल की सोच है, मुझे तो पहले से ही पता था किसना सफल होगा। किसना अभी कैसे ऊपर आएगा? ये तो हमने सोचा ही नहीं। Oh!
ना कर पाए वो किस ना कर पाए। चलो दोस्तों अब घर चलते हैं। दूध नहीं पियोगे तो मुश्किलों से बचने की शक्ति नहीं होगी, जैसे सुद्धि के साथ हुआ था, क्योंकि सुद्धि दूध नहीं पीता।